400 से 700 के बीच में वेरी करती है। हार्वेस्ट सीजन हो जाता है तो आपको मालूम है कि पंजाब में जरा लेबर इसका हमारा वीडियो मत करिए, उधर ही करिएगा जो जानते हैं कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है इंडियन एयरफोर्स के लिए और 25 साल के बाद ये एयरपोर्ट रेनोवेट हो रहा था जिसमें से नॉट ओनली इसका स्ट्रेंथनिंग हो रहा था बट इसकी लंबाई भी बढ़ाई जा रही थी प्लस इसके जो लाइट्स नेविगेशनल एड्स ILS एवरीथिंग वॉज बींग इम्प्रूव्ड सो दैट इट बिकम्स अ फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट सूटेबल फॉर हेवी मिलिट्री एंड सिविल कार्गो एयरक्राफ्ट। अब जब ये काम शुरू हुआ था बेस्ट रनवे वो बनता है जहां पे पूरा रनवे बंद हो जाता है और एक साथ आप काम करें पर ये हो नहीं पाया क्योंकि सिविल ट्रैफिक इतना था चंडीगढ़ में और ऑल्सो लॉजिस्टिक मिलिट्री लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट इतना था कि हमें हर दिन यहां से फ्लाइट्स निकालनी पड़ी। सो द हाई कोर्ट गेव अ प्रपोजल व्हाई डोंट यू वर्क एट नाइट एंड डू रैम्प ऑपरेशंस ताकि दिन के टाइम पे फ्लाइट्स चल पाए। दिस वॉज एक्सेप्टेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एट एंड द कॉस्ट वॉज ट्वाइस दो गुना कॉस्ट एज टू वॉट वॉज इनिशियली प्लान बट दिस वॉज एक्सेप्टेड बिकॉज दिस गेव बेटर सेटिस्फैक्शन टू द सिटीजन्स ऑफ द ट्राई सिटी। अब काम शुरू हुआ इस रनवे पे अक्टूबर के महीने में। अब रनवे पे कुछ क्रिटिकल लेयर्स है विच फॉर विच द रनवे हैड टू बी कंप्लीटली क्लोज्ड। पहला क्लोजर जो हुआ था ये फेब के महीने में हुआ था 14 दिन का और अब जो हो रहा है 19 दिन का हो रहा है मई के महीने में। इसके बाद गुंजाइश है कि और क्लोजर नहीं होगा इस रनवे पे। अब जो ये रनवे बनेगा ये फेजेस में बनेगा। अब जो फेज में जिस फेज में हम है 31 मई के बाद
जो वॉच आवर्स है दे विल बी एक्सटेंडेड एंड बाई द एंड ऑफ द ईयर पूरी लंबाई बन जाएगी इस रनवे की, जिससे हेवियर और लॉन्ग डिस्टेंस एयरक्राफ्ट यहाँ पे आ पाएंगे। हाउएवर जो लाइट फिटिंग है और अदर इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेसेस जो है ये मोर लेस कंप्लीट हो जाएगा फेब 2019 तक। एंड फेब 2019 के बाद जो काम होगा अगले 4-5 महीने के लिए, ये छोटे मोटे काम होंगे जो मोर ऑफ यू नो छोटे जो बचे हुए काम है, जैसे घर का जो पेंटिंग होता है उस टाइप के काम होंगे। और अगस्त 19 तक सारा का सारा काम रनवे पे, मिलिट्री एरिया पे सब खत्म हो जाएगा।